नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। आज एक बेहद गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए यहां मैं हाजिर हुआ हूं। देश के अंदर रेलवे एक ऐसा सिस्टम है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, हर तबके हर वर्ग से जुड़ा हुआ रेलवे है। बचपन की यादों का पिटारा भी रेलवे है। जवानी में परीक्षा देने जाना हो या परीक्षा से आना हो, हर चीज़ जीवन के हर एक एज ग्रुप से जुड़ा हुआ रेलवे है। इसको हम कई नामों से पुकारते हैं, ट्रेन, रेलवे। बचपन में हम लोगों को छुक छुक गाड़ी करके भी सिखाया गया था। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत तकलीफ होती है जब इसी रेलवे के अंदर खामियाँ सामने आती हैं जो एक बड़े हादसे की वजह बनती हैं। कुछ दिन पहले अभी आपने गोंडा में हादसा हुआ, उसके पहले कंचनजंगा एक्सप्रेस का हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल हो गए। उसके पहले उड़ीसा बालासोर ट्रेन हादसा। ये हादसे हमको झकझोर देते हैं। ये झकझोर इसलिए देते हैं क्योंकि ट्रेन एक ऐसी सेवा है जिसको अगर हम भारत की लाइफलाइन कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय रेलवे विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सिस्टम है, एशिया का नंबर वन रेलवे सिस्टम है। लेकिन आखिरकार इस सिस्टम को हो क्या गया है? मैं ये बात इसलिए आपके सामने कर रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देख रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, रेलवे अधिकारियों को कोस रहे हैं, रेलवे सिस्टम को कोस रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये कोई एक व्यक्ति की गलती नहीं है। ये जब पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में ही खामियां होती हैं, तभी इस तरह के वीडियो आपके सामने आते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कुछ सेकंड का आपने ये वीडियो देखा, आपने खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ट्रेन का लोको पायलट किन परिस्थितियों में ट्रेन को चला रहा है। उसके बाद अगर कोई हादसा हो जाएगा तो नाम आ जाएगा कि जी लोको पायलट की गलती के कारण यह हादसा हुआ। लोको पायलट के केबिन में किस तरह से उस ट्रेन के डिब्बे में बारिश का पानी नीचे तक गिर रहा है, और ये कोई बूंदाबांदी नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई झरना ऊपर से डायरेक्ट जो है रेलवे पायलट के ऊपर गिराया जा रहा हो। ये रेल की कंडीशन है, ये रेलवे कोचेस की कंडीशन है, ये रेलवे इंजन की कंडीशन है जो सच्चाई बयां कर रही है। लोको पायलट ट्रेन चलाते हुए एक हाथ से छतरी पकड़े हुए है। अब आप जरा सोचिए, जिस वक्त ये बारिश का पानी उसके ऊपर गिर रहा है, वो हाथों में छतरी लिए हुए है, मानसून का सीजन चल रहा है, पूरे देश में भारी बारिश हो रही है, कई राज्यों में बाढ़ जैसी आपदा चल रही है, ऐसी परिस्थिति में भी ट्रेनें आवागमन हो रहा है, और उस आवागमन में लोको पायलट किस तरह से ट्रेन चला रहे हैं उसका जीता जाता उदाहरण ये वीडियो है। सोचने पर यह समझ में आता है कि जरा सा अगर बारिश में छतरी लगाए हुए लोको पायलट ट्रेन चला रहा है, अगर उसका कुछ सेकंड के लिए भी माइंड अपने काम से डाइवर्ट होना, जो कि स्वाभाविक है, इंसान ही उसको चला रहा है, कोई रोबोट नहीं है, रोबोट होता तो इतनी बारिश में खराब हो चुका होता, लेकिन वो इंसान है, छतरी लगा के ट्रेन चला रहा है ताकि तय समय पर उसको अपने स्टेशन में अपने हाल्ट तक पहुंचाया जा सके। लेकिन बारिश के कारण एक हाथ से वो छतरी पकड़े हुए है और एक हाथ से ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है। अगर कुछ सेकंड के लिए भी उसका दिमाग इससे डाइवर्ट हो जाता है और सामने से कोई रेड लाइट मिस हो जाती है, नहीं देख पाता, क्योंकि बारिश के सीजन में वैसे भी विजिबिलिटी बहुत लो होती है, और उस लो विजिबिलिटी में माइंड अगर थोड़ी सा भी डाइवर्ट हो गया और वो ट्रेन का वो रेड सिग्नल जंप हो गया, तो फिर किस तरह का बड़ा हादसा हमारे आपके सामने आएगा, ये हम लोग देख चुके हैं। और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसी के लिए हम आपको ये इस तरह की जानकारी साझा करते हैं, सरकार से अपील करते हैं, रेलवे सिस्टम से लगातार अपील करते हैं कि ऐसी चीज़ों पर गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि भारत में लगभग 2 करोड़ 40 लाख यात्री हर दिन रेलवे पर सफ़र करता है।
2,40,00,000 ये कई देशों की पॉपुलेशन होगी इतनी, जितनी हर दिन भारत में लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। इतने बड़े 2,40,00,000 लोग जिस सफर जहां पे कर रहे हों उसको कितना सुविधाजनक और कितना सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी, और सिर्फ उसको पूरी तरह से सेफ्टी प्रूफ होना चाहिए। लेकिन नतीजा आपके सामने है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो कंचनजंगा एक्सप्रेस में हादसा हुआ, उसमें जो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उस जरा रिपोर्ट को आप गौर से देखिएगा। इस पर मैंने इस पूरी रिपोर्ट पर एक वीडियो बनाया हुआ था इसके पहले, और इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी बारीकी से मैंने हर एक बात का जिक्र किया था। आप सभी को एक अपने देश का नागरिक होने के नाते इन ऐसी चीज़ों को, खबरों को ध्यान से देखना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी होनी चाहिए कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था। याद करिए, जिस समय कंचनजंगा एक्सप्रेस में हादसा हुआ था, उस समय रेलवे के टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया तुरंत ही हादसा होने के 1 से 1.5 घंटे के बाद कि लोको पायलट की गलती थी, उसने मानक के अनुरूप जो स्पीड नहीं रखी थी, इसी कारण ट्रेन ने पैसेंजर ट्रेन को जाकर हिट कर दिया। कंचनजंगा एक्सप्रेस आगे जा रही थी, पीछे से मालगाड़ी ने जाके उसको टक्कर मार दी, जिसके पीछे के 3 डिब्बे उसमें क्षतिग्रस्त हो गए थे। तुरंत बयान आया कि उसमें जो है लोको पायलट की गलती है। एक तरफ लोको पायलट की मौत हो गई थी, उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। दूसरी तरफ जब उन्होंने टेलीविजन पर यह रिपोर्ट देखी कि पूरी की पूरा ठीकरा जो है लोको पायलट के ऊपर फोड़ दिया गया, तो उनके घर वाले परिवार वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो और भी ज्यादा मौत की खबर सदमा, ऊपर से ये कि लोको पायलट की गलती से हादसा हुआ, परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। लेकिन जब रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आई तो उसमें लोको पायलट को पूरी तरह से निर्दोष बताया गया, जबकि कहा गया कि इसमें केवल लोको पायलट की नहीं बल्कि पूरे रेलवे सिस्टम की गलती थी। जगह जगह खामियां मिली, सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल खराब था, ऑटोमेटिक सिग्नल खराब की भी उसमें बताया गया कि इतने सालों में कितनी बार इसकी सूचना दी जा चुकी है ये, और आला अधिकारियों को बताया गया कि भैया यहाँ पर इस रूट में ऑटोमेटिक सिग्नल फेल हो गया है इसको, लेकिन बड़े अधिकारियों ने भी कोई भी जहमत नहीं उठाई कि इसको तत्काल रूप से सही किया जाता। रेलवे मैनुअल की जानकारी कई बड़े अधिकारियों को नहीं थी। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर आपको भी इनकी जानकारी नहीं होगी तो आप अपने जूनियर जो नीचे आ रहे हैं लड़के, जो नए नए भर्तियां हो रही, उनको आप कैसे जानकारी दोगे। इन सब बातों का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया था। जब वो रिपोर्ट हमने पढ़ी तो हमारी आंखें चौंक गई थी कि आखिरकार इतना रेलवे के अंदर इतनी बड़ी खामी कैसे हो सकती है। उसमें यह भी कहा गया कि ये तो हादसे का इंतजार जैसी नौमत थी, यानी कि वेट किया जा रहा था कि एक्सीडेंट हो जाए। ये उस रिपोर्ट की बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, और ये क्यों बता रहा हूं, वो इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हादसे की रिपोर्ट ये बताती है कि रेलवे सिस्टम कहां तक हैंग हो चुका है और इस पर सर्विसिंग की जरूरत है। रेलवे के आला अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, रेलवे मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए। हम बुलेट ट्रेन की ओर बढ़ रहे हैं, हमने आधुनिक वंदे भारत ट्रेन बना ली है, उस वंदे भारत का लुक एकदम मेट्रो ट्रेन के जैसा है, बहुत आलीशान एक ट्रेन है जिसके अंदर आप सफ़र करते हैं, ऑटोमेटिक गेट मिलता है आपको, अनाउंसिंग सिस्टम मिलता है, बढ़िया सीट मिलती है, सुविधाजनक आपको हर चीज़ साफ सफाई मिलती है तुरंत। लेकिन एक दूसरी तरफ एक ये तस्वीर भी है जिसको आप देख रहे हैं लगातार, किस तरह से ट्रेन के इंजन से पानी गिर रहा है और लोको पायलट छतरी लगाकर काम कर रहा है। मैं आपको दोबारा यहां पर बता दूं कि हमारा रेलवे सिस्टम विश्व का 4th सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, एशिया का नंबर 1 सिस्टम है, रेलवे नेटवर्क है, लेकिन उस रेलवे नेटवर्क में सुरक्षित यात्रा का क्या स्तर है ये हमारे आपके सामने है। राजनीति से इतर, पॉलिटिक्स से इतर, मैं यहाँ पर आज किसी भी अधिकारी या मिनिस्टर को इसमें दोषी नहीं मानते हुए पूरे सिस्टम को इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, और ये गुजारिश करते हैं कि ताकि इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जा सके, ताकि आम लोग जो इस पर सफ़र करते हैं वो सुरक्षित महसूस करें।
आज इतने हादसों के बाद में जब इंसान ट्रेन में सफर करता है तो एक बार सोचता है कि मेरा ट्रेन का कोच जो है आगे या पीछे तो नहीं है, बीच में ही है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जो कुछ लोग हैं उनसे बात करके मैंने ये सुना है। और इन दिनों पे लोग कहते हैं अगर हादसा हो जाए तो बीच वाले डिब्बे सेफ रहते हैं। आखिरकार ऐसी सोच विकसित ही कैसे हुई? ये इसी कारण हुई क्योंकि इस तरह के वीडियोस जब वायरल होते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास हाथों में हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, लोग तुरंत ऐसी तस्वीरों को, वीडियोस को देखते हैं, उसमें रिएक्ट करते हैं और उनको समझ में आता है कि हमारा सिस्टम कितना खोखला हो चुका है और इसी से खोखले सिस्टम के कारण हमको अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। फिर से आपको एक बार ये वीडियो देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सवाल करने चाहिए और रेलवे के अधिकारियों से बहुत सा हृदय निवेदन है कि ऐसी चीज़ों, ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए, संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल रूप से इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए। धन्यवाद।